हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना इस वीडियो में हम बात करेंगे एवोल्यूशन चैप्टर की और इस चैप्टर के हम लास्ट टेन इयर्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये एक मार्क्स के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ए दिया हुआ है ए फिफ्टीन एम वाई ए एम वाई ए होता है मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट दैट वॉज ए प्लाइक बी दिया हुआ है टू तो एम ए प्राइमेट दैट लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड 2018 का क्वेश्चन है तो 15 मिलियन ईयर्स अगो जो प्राइमेट एप लाइक था इसे ड्रायोपिथिकस कहते हैं और 2 मिलियन ईयर्स अगो जो प्राइमेट लिव किया था ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में इसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है अकॉर्डिंग टू डेवरीज वट इज सॉल्टेशन सॉल्टेशन क्या होता है

नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी उसने एक्सप्लेन किया था उसमें species, जिस तक तो फिटनेस फिटनेस ऑफ ऑफ द द द स्पीशीज दिस कैपेसिटी ऑर्गेनिज्म टू तो क्या होता है कैपेसिटी होती है ऑर्गेनिज्म की ताकि वो सर्वाइव कर पाए द ऑर्गेनिज्म विच हैव ए स्टेबल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जिन ऑर्गेनिज्म की स्टेबल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो क्या कर सकते हैं दे कैन प्रोड्यूस हेल्थी ऑस्प्रिंग एंड आर मोर फिट एंड कैन हैव मोर चांस ऑफ सर्वाइवल तो अकॉर्डिंग टू डार्विन उसने जो फिटनेस की बात की थी वो थी रिप्रोडक्टिव फिटनेस अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव हेल्दी है तो वो हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है और उसका ज्यादा होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है पहले ना कॉमन एंसेस्टर होता है तो उससे नई स्पीशीज बनती है तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सबसे पहले है फोरलिम ऑफ बैट एंड व्हील ये एनिमल की एग्जाम्पल है जो फोर लिम है ना वो बैट में मॉडिफाई होता है फ्लाइंग के लिए व्हेल में वो मॉडिफिकेशन करता है स्विमिंग के लिए वेरा स्टेम की मॉडिफिकेशन होता है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया बनाता है बोगनविलिया में और टेंड्रिल बनाता है कुकर बिटा में क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट द प्रोबल डिफ्रेंस इन ईटिंग हैबिट ऑफ होमो हैबलिस एंड होमो इरेक्टस टू थाउजेंड सिक्सटीन का क्वेश्चन है तो हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है ईटिंग हैबिट का जो होमो होमोहेबलिस था ना डिड नॉट ईट मीट वो मीट नहीं खाता था वेरस होमो इरेक्टस जो था वाज मीट ईटर यही मेन डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर सिक्स है राइट द हाइपोथेटिकल प्रपोजल पुट फोर्थ बाय ओपरिन एंड हेल्डेन 2015 का क्वेश्चन है ओपरिन और हेल्डेन ने हाइपोथेटिकल जो प्रपोजल दिया था इसके दो पॉइंट है पहला है Life originated spontaneously from organic molecule. तो पहले से जो अवेलेबल क्या थे? Organic molecule थे वहीं से लाइफ ओरिजिनेट हुआ था सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रोसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन पहले ना केमिकल एवोल्यूशन हुआ था मतलब इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल थे वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुए थे उसी के बाद क्या हुआ था फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुआ था क्वेश्चन नंबर सेवन है नेम द टाइप ऑफ एवल्यूशन दैट है डिवेलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर लाइक ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड क्वेश्चन है अब याद रखना बटरफ्लाई है ना और विंग्स ऑफ जो बर्ड है ये एनालोगस ऑर्गन है एज द ओरिजन इज नॉट द सेम इनका ओरिजन सेम नहीं है बट ये परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम एवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्वेश्चन नंबर है। है तो population की जो फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहती है इक्विलिब्रियम में हाउ डू यू इंटरप्रेट द चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील इन पॉपुलेशन 2019 का क्वेश्चन है तो अगर चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुआ तो क्या होगा सो इफ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब अगर आपने क्या किया चेंज किया है फ्रीक्वेंसी मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है इट वुड रिजल्ट इन एवोल्यूशन तो इससे क्या हो सकता है न्यू स्पीशीज बन सकता है एवोल्यूशन हो सकता है जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट म्यूटेशन मे कॉज चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी तो जीन फ्लो की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट या म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है एलील्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकती है नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप वन क्वेश्चन ये दो मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन है फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिट होमिनिट क्या होता है एप्स होता है Mention his food habit and brain capacity, 2015 का क्वेश्चन है. तो -like जो एप था वो पहला था हैबिलिस उनकी फूड तो वो मीट नहीं खाते थे और इनकी अगर ब्रेन कैपेसिटी की बात करें सिक्स फिफ्टी टू एट हंड्रेड सीसी था क्वेश्चन नंबर टेन है हाउ इज स्टडी ऑफ फॉसिल एंड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म क्वेश्चन है हमें पूछा है जो स्टडी ऑफ फॉसिल है वो कैसे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है ऑफ लाइफ दो रीजन हमें बताने हैं सबसे पहले स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेल इंडिकेट दैट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इन डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड अब क्या होता है जो फॉसिल्स हैं ना वो क्या होता है सॉइल में डिफरेंट क्या होती है सेडिमेंट्री लेयर्स होती हैं तो उसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्या हो गए उनके फॉसिल्स मिलेंगे डिफरेंट लेयर में और ये ये बताएंगे कि जो अर्थ है ना उसमें ये जो ऑर्गेनिज्म थे वो डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में एग्जिस्ट करते थे और इसमें क्या हुआ है एवोल्यूशन हुआ है सेकेंड पॉइंट है सम फॉसिल प्रोवाइड अस लिंक बिटवीन एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स तो एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स के बीच में लिंक बता सकता है और एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बीच में कुछ फॉसिल्स लिंक बताते हैं एग्जाम्पलिक्स है, Example है ये क्या है? Link between bird and reptile. क्या है है लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल क्योंकि इसका जो मिला उसमें क्या है दोनों के फीचर्स हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के फीचर हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम लिंक कहते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन है आइडेंटिफाई एनी टू मार्सुपियल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो पहला है लीमर सेकेंड है स्पॉटेड कस्कस फ्लाइंग फैलेंजर बॉब कैट टास्मेनियन वोल्फ और ये सिक्स है मोल बी पार्ट है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जिबिट अडाप्टिव रेडिएशन जस्टिफाई द स्टेटमेंट 2020 का क्वेश्चन है सबसे पहले हम बात करेंगे मार्सुपियल्स की जो मार्सुपियल्स हैं ये मैमल्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होते हैं और इनमें कौन सा दिया हुआ है सबसे पहले स्पॉटेड कस्कस है फ्लाइंग फैलेंजर है एंड टास्मेनियन वुल्फ है अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की दे एग्जिबिट अडाप्टिव रेडियशिव रेडिएशन क्या होता है सपोज एक एरिया में ना एक स्पीशीज है अगर वो चाहती है डिफरेंट एरिया में सर्वाइव करना तो उनमें कुछ अडाप्टेशन आता है एज ए रिजल्ट एक स्पीशीज से बहुत सारी स्पीशीज बनती है और वो डिफरेंट एरिया में सर्वाइव कर सकती है उसे अडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है वो अडाप्टिव रेडिएशन शो करते हैं बिकॉज नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर तो वो एक दूसरे से डिफरेंट है इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक तो कॉमन एंसेस्टर है उससे सब इवॉल्व हुए हैं बट ऑल विद इन और ये सारे प्रेजेंट है विद इन ऑस्ट्रेलियन आईलैंड कॉन्टिनेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है राइट टू डिफरेंस बिटवीन होमो इरेक्टस एंड होमो हैबलिस क्वेश्चन है होमो इरेक्टस की बात करें ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 900 हंड्रेड सीसी तो 900 हंड्रेड सीसी ब्रेन कैपेसिटी थी होमो होमोहेबलिस की बात करें इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी अराउंड टू दे एट मीट ये मीट ईटर्स थे एंड दे डिड नॉट ईट मीट और होमोहेबलिस मीट नहीं खाते थे क्वेश्चन नंबर है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स एज होमोलोगस एंड ए दिया है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो बी दिया हुआ है आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ मैमल्स सी दिया है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ क्यूकर बीटा डी दिया हुआ है फोलिम ऑफ बैट एंड वेल्स टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन है होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं जिनका स्टार्टिंग में ओरिजिन सेम था बट ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे अगर हम बात करें थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडस ऑफ क्यूकर बीटा ये दोनों क्या होते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं बट डिफरेंट फंक्शन करते हैं सिमिलरली फोलिम ऑफ जो बैट है वेल्स है इनका कॉमन ओरिजिन था बट इनका डिफरेंट फंक्शन होता है तो इन्हें होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन का एनालोग ऑरिजन है, है बट ये सेम फंक्शन करते हैं जैसे स्वीट पोटैटो है ना ये रूट की मॉडिफिकेशन होती है पोटैटो क्या होता है स्टेम मॉडिफिकेशन होता है आइज ऑफ ऑक्टोपस का क्या है ऑरिजन डिफरेंट है आइज ऑफ मेमल का ऑरिजन डिफरेंट है बट ये सेम फंक्शन करते हैं तो ये एनालॉगस ऑर्गन है नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड क्वेश्चन ये तीन मार्क्स के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प लुइस पास टू डिसमिस द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ थ्यूरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब क्या होता है जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होता है नॉन लिविंग मैटर से तो उस थ्यूरी को उसने डिसमिस किया था उसने एक्सपेरिमेंट किया ही टू टू प्री स्टेलाइज फ्लास्क दो प्री स्टेलाइज फ्लास्क लिया कंटेनिंग न्यूट्रियन ब्रॉथ न्यूट्रियन ब्रॉथ क्या होता है एक लिक्विड होता है विथ किल्ड हीस्ट तो उसके अंदर किल्ड हीस्ट प्रेजेंट था वन फ्लास्क लेफ्ट ओपन तो एक फ्लास्क को उसने लेफ्ट ओपन किया जिसमें क्या आ सकता था एयर आ सकता था और दूसरे फ्लास्क को उसने सील कर दिया आफ्टर सम टाइम द फ्लास्क लेफ्ट ओपन न्यू लाइव ऑर्गेनिज्म जिस फ्लास्क को उसने लेफ्ट ओपन किया था ना तो उसमें लाइव ऑर्गेनिज्म आ गए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एयर के थ्रू क्या हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं ट्रांसफर हो सकते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में वो ग्रो करेंगे तो लाइव ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे वाइल्ड एयर टाइट फ्लास नो न्यू लाइफ वॉज ऑरिजिनेटेड और जो दूसरा फ्लास था ना जिसमें किल यूज था उसको एयर टाइट किया हुआ था तो उसमें एयर तो एंटर हुआ नहीं कोई नया ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हुआ सो तो उसमें क्या हुआ कोई लाइफ ऑरिजिनेट नहीं हुआ सो तो दस उसने क्या कर दिया डिस्कार्ड कर दिया थ्यूरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ और उसने कहा जो लाइफ है वो सिर्फ ओरिजिनेट कर सकता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से सो लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ क्वेश्चन नंबर 15 है इसका ए पार्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अपेरेंस ऑन अर्थ बिटवीन 2 मिलियन एंड 40,000 थाउजेंड ईयर बैक सबसे पहले ऑस्टेलोपिथिकस होमो इरेक्टस एंड होमो हैबिलिस बी पार्ट है विच वन ऑफ द अबव हैड द लार्जेस्ट ब्रेन साइज और इसमें सेकेंड दिया हुआ है एट फ्रूट टू का क्वेश्चन है हमें ऑर्डर ऑफ अपेयरेंस में इन चारों को अरेंज करना है सबसे पहले आया था ऑस्टेलोपिथिकस फिर आया था होमो होमोहेबलिस फिर आया था उसके बाद होमो इरेक्टस और एंड में आया था ठीक है और अगर लार्जेस्ट ब्रेन साइज की बात करें तो था नियॉल का विच वॉज फोर्टीन हंड्रेड और जो फ्रूट खाता था इन चारों में वो था ऑस्टेलोपिथिकस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन इंग्लैंड आफ्टर 1815 इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन हाउ 2023 का क्वेश्चन है तो सबसे पहले 1815 में इंग्लैंड में क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक तो ज्यादा इंडस्ट्रियल स्मोक आया द पेल ट्री ट्रंक बीके मोर ब्लैक एंड तो पहले जो ट्री का ट्रंक था कवर था वो क्या था पेल था बट स्मोक की वजह से वो ज्यादा ब्लैक हो गया एज ए रिजल्ट द लाइट विंग मॉथ स्टूड इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स बैकग्राउंड तो जब लाइट विंग मॉथ ट्री की बात में बैठता था तो उसको आइडेंटिफाई करना काफी ईजी हो गया क्योंकि उसका लाइट कलर था इंक्रीजिंग पॉसिबिलिटी ऑफ डिटेक्टेड एंड ईटन बाय करके खा सकते थे as as result, क्या हुआ? हुआ का हुआ और डार्क वराइटी का नंबर इंक्रीज हुआ देयर फॉर एवोलूशन फेवर द डार्क विंग मेलेनिक मॉथ मेलेनिक मॉथ मतलब कि जिसमें मेलेन ज्यादा होता है तभी वो क्या होता है डार्क कलर का होता है तो एवोल्यूशन ने डार्क वेराइटी को फेवर किया द एवोल्यूशन ऑफ डार्क फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो एवोल्यूशन हुआ डार्क फॉर्म का बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इसे ही इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग हिज फेमस सी वॉयज अराउंड द वर्ल्ड इन ए शिप एच एम एस बीगल कंक्लूडेड बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए दिया हुआ है इज हिज थ्योरी नोन एज एक्सप्लेन दिलियन फीचर ऑफ हिज थ्योरी बी दिया हुआ है नेम ए साइंटिस्ट हु एट ए सिमिलर कंक्लूजन एज दैट ऑफ चार्ल्स थाउजेंड 2019 का क्वेश्चन है सबसे पहले जो डाविन ने थ्योरी दी थी उसे हम बोलते हैं डाविन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे हैव हाई कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस तो उनकी क्या होती है हाई कैपेसिटी होती है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड स्पेस तो फूड एंड स्पेस क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं कॉज द स्पीशीज टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तो एज ए रिजल्ट क्या होता है जो स्पीशीज है वो स्ट्रगल करता है एग्जिस्टेंस के लिए ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल वेरिएशन जिस ऑर्गेनिज्म में फेवरेबल वेरिएशन होता है वो सर्वाइव करता है एंड आर बेटर एडजस्टेड टू चेंजिंग एनवायरमेंट तो वो चेंजिंग एनवायरमेंट के लिए बेटर एडजस्टेड है इसे ही हम क्या कहते हैं नेचुरल सेलेक्शन कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन जो ऑर्गेनिज्म का होता है वो वेरिएशन की वजह से होता है प्रोवाइडिंग सर्वाइवल एडवांटेज तो ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल एडवांटेज भी होना चाहिए एंड फिटनेस टू रिप्रोड्यूस तो वो रिप्रोडक्टिव फिट होना चाहिए तभी वो क्या कर सकता है सर्वाइव कर सकता है बी है नेम ए साइंटिस्ट हु एट ए सिमिलर कंक्लूजन एज दैट ऑफ चार्ल्स चार्स तो वो साइंटिस्ट का नाम था एल्फर्ट वेलेंस क्वेश्चन नंबर 18 है

तो अनरिलेटेड स्पीशीज क्या होती है बिकम मोर सिमिलर वो सिमिलर होते जाती है इन और टू सरवाइव एंड अडाप्ट इन सिमिलर इन्वायरमेंट कंडीशन तो डिफरेंट सपोज हमारे पास अनरिलेटेड स्पीशीज है अगर वो एक ही इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो वो क्या होती हैं सिमिलर होती हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है द सेम स्ट्रक्चर इवॉल्व इन डिफरेंट डायरेक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तो एक ही स्ट्रक्चर ना इवॉल्व होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है वेर एस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है इवॉल्व होते हैं सेम डायरेक्शन में इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तो जो डिफरेंट क्या थे हमारे पास स्ट्रक्चर थे वो इवॉल्व होते हैं सेम डायरेक्शन में मतलब वो सेम फंक्शन करते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अब जो होमोलोगस ऑर्गन है ना वो शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एनोलोग ऑर्गन शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की फोलियम ऑफ बैट वेल एंड ह्यूमन इनका कॉमन ओरिजन था बट ये अब डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स इनका डिफरेंट ओरिजन था बट ये अभी सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेट ऑपरिन एंड हेल्ड इन हाइपोथिस हाउ डिड एस एल मिलर एक्सपेरिमेंटली प्रूव इट एक्सप्लेन टू का क्वेश्चन है ऑपरिन एंड हेल्डेन का हाइपोथिस था कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है ना कुड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो पहले ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे उसी से लाइफ ओरिजिनेट हुआ है जैसे आर एंड प्रोटीन से नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिस केमिकल एवोल्यूशन तो पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ था इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए थे उसी के बाद क्या हुआ था फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुआ था नेक्स्ट हम बात करेंगे एस एल मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में उसने सपोर्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट से केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ उसने लेबोरेटरी में ना कंडीशन सिमिलर टू प्रिमिटिव अर्थ तो उसने जो कंडीशन थी ना प्रिमिटिव अर्थ की सिमिलर उसने कंडीशन दिया था ही यूज मिक्सचर ऑफ मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन एंड वाटर तो मीथेन अमोनिया वो हाइड्रोजन एंड वाटर का उसने क्या लिया था मिक्सचर लिया था एयर टाइट अपरेटस में ही पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो उसने ना इलेक्ट्रोड लिए थे ठीक है और यहां से इसने हाई वोल्टेज पास किया और टेम्परेचर कितना था अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस तो उसने स्पार्क डिस्चार्ज किया मतलब हाई वोल्टेज पास किया सो एज ए रिजल्ट टेम्परेचर रीच हो गया 800 डिग्री सेल्सियस उसके बाद उसने क्या किया उसने पास किया मिक्सचर को थ्रू कंडेंसर कंडेंसर से क्या होता है वो कूल cool डाउन होगा ही सर्कुलेटेड द गैसेस इन सेम वे फॉर अबाउट ए वीक तो गैसेज को इसमें सर्कुलेट किया अबाउट ए वीक और उसके बाद उसने एनालाइज किया कंटेंट को फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो इसमें क्या उसने देखा एक वीक के बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिकेशन हुआ था और इसने सपोर्ट किया केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हार्डीपल विद द हेल्प ऑफ एन एलजेब्रिक इक्वेशन टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस ऑफ एलियस ऑफ ए जीन इज कॉन्स्टेंट तो जो फ्रीक्वेंसी है ना अक्रेंस ऑफ एलियस वो क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है द जीन पुल रिमेन कॉन्स्टेंट तो एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स है वो क्या है कॉन्स्टेंट है एंड द टोटल सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज वन तो जितना भी सम है एलिंग फ्रीक्वेंसी का वो क्या है वन है इन ए स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ ए जीन सपोज एक जीन है उसमें क्या होता है दो अलील्स हो सकते हैं अगर हम कैपिटल ए डोमिनेंट बोलेंगे स्मॉल ए रिसेसिव बोलेंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स को हमने डिनोट किया कैपिटल ए को डिनोट किया हमने पी से और स्मॉल ए को क्यू से

टू पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेट के बारे में फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल स्मॉल और, और रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ये ये एक्सप्रेशन है ये जीनोटाइप के बारे में बताता है और अगर इस इक्वेशन में कोई भी चेंज आए तो वो सिग्निफाई करता है एवोल्यूशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है एक्सप्लेन द इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन व्हेन ही ऑब्जर्व ए वैरायटी ऑफ स्मॉल ब्लैक बर्ड ऑन गैलोपोस आइलैंड 2015 का क्वेश्चन है डार्विन गैलोपोस आइलैंड में गया था उसने ऑब्जर्व किया डाइवर्सिटी देखा उसने स्मॉल ब्लैक बर्ड्स का उसे हम डार्विन फिंचिस कहते हैं फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड तो ओरिजिनल क्या था सीड ईटिंग बर्ड था मैनी डिफरेंट वेराइटीज तो काफी ज्यादा वेराइटीज क्या थी विद ऑल्टर बीक तो इनिशियली तो सीड ईटिंग था बट उससे डिफरेंट वराइटीज जिनमें क्या थी डिफरेंट बीक्स थी वो क्या हुए अरोज हुए जैसे इंसेक्टिवरस फिंचिस एंड वेजिटेरियन फिंचिस

Whereas, जो ड्रायोपीथिकस था वो भी रामापेस जैसे था हेरी था वॉक लाइक गोरिला एंड बट डिफरेंस क्या था इट इज मोर एप लाइक नियंड्रेथ की बात करेंगे इसका जो ब्रेन साइज था वो था 1400 हंड्रेड सी सी यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी तो एनिमल का स्किन यूज करता था बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बरीड देअर डेड जो डेड थे उनको बरी करता था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड गिव थ्री रीजन राइट हाउ हार्डीब्रियम कैन बी इफेक्टेड टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन है तीन रीजन है जिससे हार्डी वेनबर्ग इक्म इफेक्ट हो सकता है सबसे पहले जीन फ्लो इट इज द ट्रांसफर ऑफ एलियस फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर सपोज एक इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जाता है ट्रांसफर क्या हो रहा है ऑफ एलियस ऑफ जीन्स हो रहा है इट कॉजिस चेंज इन कम्पोजिशन ऑफ जीन पोल सो एज ए रिजल्ट क्या होता है पॉपुलेशन का जो जीन पुल है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो उससे क्या आ सकता है इक्विप्रियम इफेक्ट हो सकता है सेकेंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट एनी ऑल्ट्रेशन इन एलील फ्रीक्वेंसी इन द नेचुरल पॉपुलेशन बाय चांस तो इसमें क्या होता है जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है चेंज होती है बट ये चेंज होती है बाय चांस और ये रैंडम और डायरेक्शन होता है और ये एक स्मॉल पॉपुलेशन में होता है इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं थर्ड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमें पता है जब गैमिट्स बनते हैं ना म्योसिस में तो क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर होने से जेनेटिक वेरिएशन आता है पॉपुलेशन में क्योंकि जब गैमिट्स कंबाइन करते हैं न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं तो उनमें क्या होता है वेरिएशन होता है एज कंपेयर टू पेरेंट्स सो ऑस्प्रिंग फॉर्म शो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इसे रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है एक्सप्लेन एडाप्टिव रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज स्पीशीज तो डिफरेंट इवॉल्व हो रहे हैं

इवॉल्व हुए हैं इनसेस्ट्रल स्टॉक तो कॉमन इंसेस्ट्रल स्टॉक है कॉमन स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं बट ऑल विद इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट बट सारे जो है ये प्रेजेंट है ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में तो इसे अडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉगस एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर टू थाउजेंड एटीन का क्वेश्चन है एनोलोग स्ट्रक्चर जो होता है इनकी डिसिमिलर एनोटमी होती है मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर डिसिमिलर होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर का सिमिलर एनाटमी होता है एनलोगस स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं फंक्शन में और होमोलोगस क्या होते हैं डिसिमिलर होते हैं फंक्शन में एनलोग जो स्ट्रक्चर है इट इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन इन्सेस्टर तो इनका कॉमन इन्सेस्टर नहीं होता वेरस जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है वो कॉमन इन्सेस्टर से आते हैं एनलॉगस जो स्ट्रक्चर है डिवेलप इन अनरिलेटेड स्पीशीज तो अनरिलेटेड स्पीशीज में ये बनते हैं और होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है रिलेटेड स्पीशीज में बनते हैं एलोग स्ट्रक्चर है वो रिजल्ट होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का और होमोलोगस स्ट्रक्चर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का क्या है रिजल्ट है एग्जाम्पल की बात करेंगे स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दोनों फूड स्टोरेज करता है एस स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है पोटैटो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है और जो फोलियम ऑफ वेल एंड बैट है ना तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है बट ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इन्हें हम होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवोल्यूशन के समझ आए हो सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं मैंने क्विक रिवीजन के भी वीडियोस बनाए हैं एंड सी आर टी बेस्ड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक सी यू एंड बाय